नहर में कार गिरने से मौत, व्यवसायी पुत्र पर FIR दर्ज। शादी के कार्यक्रम में आए मेहमानों को दर्री डैम दिखाने के लिए आधी रात के वक्त घर से निकले युवाओं से भरी कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोगों ने किसी तरह जान बचाई। पुलिस ने कार के चालक व्यवसायी पुत्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना 3 मई की रात बालको थाना क्षेत्र के भवानी मंदिर के पास नहर में घटित हुई थी। कोरबा निवासी अंशुल अग्रवाल की शादी में रिसोर्ट राताखार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु व राजनांदगांव से मेहमान आए थे। 2 मई की रात महिला संगीत पार्टी हो रही थी, इसमें शामिल होने राजनांदगांव के वार्ड 38 के निवासी अंकित तिवारी, बेंगलुरु से आए दिव्या पांडे, विष्णु और हरीश भी पहुंचे थे। बेंगलुरु से आए लोगों ने दर्री डैम दिखाने की बात कही, तब अपनी हुंडई i20 में बिठाकर आकाश लालवानी इन्हें दर्री डैम दिखाने के लिए रात को घर से निकला। आकाश लालवानी DK हॉस्पिटल TP नगर के पीछे निवासरत है। इन युवकों और युवती को बिठाकर आकाश लालवानी कार चलाते हुए तेज रफ्तार से दर्री डैम की ओर जा रहा था। दर्री पुल के पास सड़क पर डाली गई मिट्टी और डायवर्सन रोड होने के कारण इसी दौरान दूसरे दिशा से ट्रेलर आने की वजह से आकाश तेज रफ्तार कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर कार नहर में जा गिरी। भवानी मंदिर जोगिया डेरा नहर में हुए इस घटना में सामने चालक के बगल सीट पर बैठे अंकित तिवारी की डूब जाने से मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी युवती सहित कुल चार लोगों ने किसी तरह खुद को नहर से बाहर निकाला। आकाश के भाई अंशुल ने अपने पिता गोवर्धन को घटना की जानकारी दी और चार लोगों में से एक युवक अंकित का पता नहीं चलना बताया। गोवर्धन लालवानी की सूचना पर बालको थाना में पदस्थ ASI ओम प्रकाश परिहार के द्वारा मौके पर जाकर अंकित की तलाश कराई गई तो नहर से शव बरामद हुआ। विवेचना में चालक आकाश लालवानी के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना और मौत होना पाए जाने पर अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर सपोर्ट।